इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके बहुत बवाल खड़ा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन चैलेंज दिया है, कोई भी आके दिखा सके कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टैम्पर किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन पैमाने इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं। हमारे साथ हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नसीम जैदी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, व्हाट अ डिलाइट स्पीकिंग टू यू। थैंक यू जैदी साहब। पहले ये बताइए, ये मशीन जो है ये असली है या ये नमूना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये साक्षात्कार आज आयोजित किया, और जो प्रश्न आपने पूछा है, हम ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे वो मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कंपोनेंट, जिनका एक्चुअल इस्तेमाल पोलिंग टाइम पर होता है, और हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो ये रियल मशीन्स हैं और ये उसी हालत में रखी गई हैं जैसा कि पोलिंग स्टेशन्स पर हमारी मशीनों का इस्तेमाल होता है। जैसे आम जनता जब वोट देने जाती है, जब 2014 में आधे बिलियन लोगों ने वोट दिया था, ये उसी कंडीशन की मशीन है। बिल्कुल। हमारे साथ हैं चमन किशोर साहब, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक इंजीनियर हैं, और वो हमको दिखाएंगे कि किस तरह से वोट दिया जाता है। तो इसको आप कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और ये बैलेटिंग यूनिट है, और ये वीवीपैट यूनिट है, जो हाल में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो अब इस वक्त सब आने वाले इलेक्शन में 100% यूज होगा। तो अब इसमें वोट कैसे दिया जाता है, और ये प्लास्टिक का डब्बा क्या करता है? सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बैलेट यूनिट, उसके बाद वीवीपीएटी। मैं कंट्रोल यूनिट के बारे में बताऊं कि जो भी हम वोट कास्ट करेंगे सर, वो इसमें जो चिप है, जो मदरबोर्ड है, वो उसके अंदर एक चिप है जो सारा डाटा इसमें आ करके स्टोर हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ काउंटिंग उससे हम उसको डेटा को रिट्रीव करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो जब रिजल्ट लेंगे काउंटिंग के टाइम में, तो सारा डाटा हमारे सामने आ जाएगा किसको कितना वोट पड़ा। एक मोटा मुद्दा उठा है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने के हेड ने कहा कि हम 90 सेकंड में इसका मदरबोर्ड बदल देंगे जी। क्या इसका मदरबोर्ड बदला जा सकता है? दूसरा मुद्दा, अगर मदरबोर्ड बदल दें तो ये क्या हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी? आप तो इंजीनियर हैं सर। मदरबोर्ड इसका नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जब इस मशीन की हम एफएलसी करते हैं, जिसको हम फर्स्ट लेवल चेकिंग बोलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेवल चेकिंग में हमारा इंजीनियर इसको चेक करेगा ईच एंड एवरी बटन फिजिकली, उसके बाद इलेक्ट्रिकली चेक करेगा कनेक्शन करके कि हर एक बटन इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद में हमारा इंजीनियर इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दी हुई पिंक सील है, जो नासिक की है, ये वाली सील सर, ओके, इस सील के ऊपर नासिक मतलब जहाँ पे हमारे नोट छपते हैं, नोट छपते हैं, वो गवर्नमेंट प्रेस से सील है, सिक्योरिटी प्रेस, उस वो सील, और आप देख रहे हैं इस सील के ऊपर एक नंबर भी होता है सर। तो प्रशासन के आदमी, एसडीएम लेवल का आदमी, जब भी हम एफएलसी करते हैं, एक बैल का इंजीनियर वहां पे जरूर होगा, और प्रशासनिक तौर पे वहां का कोई अधिकारी होगा जो इसके ऊपर साइन करेंगे, और बैल का इंजीनियर भी इसके ऊपर साइन करेगा। साइन करने के बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी एफएलसी के दौरान आएंगे देखने के लिए, तो वो भी इसको चेक करेंगे कि प्रॉपरली साइन उसके ऊपर करेंगे, एक रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं उसके ऊपर भी साइन करेंगे, और वो भी ये भी चेक करेंगे कि हाँ हम इस डेट में आकर के हमने एफएलसी को देखा, हमारे सामने एफएलसी हुई। तो जैसे एफएलसी, आप जैसे आपका सवाल है कि इसको क्या मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर ये सील यहाँ पे इसके देख रहे हैं आप चारों तरफ ये सील बाउंड है, अगर इसका मदरबोर्ड को हम खोलने की कोशिश करते हैं, इसके चार स्क्रू, जैसे एक स्क्रू, दो स्क्रू, तीन स्क्रू और चार स्क्रू खोलने के बाद में इस फ्लैप को हम पूरे मशीन दो पार्ट में हमारी होगी, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, पार्ट होने के बाद में ये सील आपकी यहाँ से, क्योंकि कागज की सील है, सिंपल सील है, ये टूट जाएगी। टूटने के बाद में नेक्स्ट स्टेज पे कोई देखेगा कि सील टूटी है, तो ये मशीन को हम रिजेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट आदमी वो इस मशीन को अलाउ नहीं है इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन में। तो ये सील टूटना मतलब मशीन में कहीं ना कहीं छेड़ाछाड़ी हुई है, जो 100% इंटैक्ट होना चाहिए, 100% सील जैसा लगा वैसा का वैसा ही होना चाहिए। माने जैदी साहब, टू से दिस इज पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, इज दैट व्हाट द इंपोर्ट इज?
This is one of the features. One of the features, this is the one of the many seals which go on, right. Because there is a seal here, there is a seal here, yes. There is a seal here, and yes. And the candidate's agents are expected to sign on these seals, yes. So they can verify this seal is their own and not right. Been chained behind. Right. So that ensures that there is safety in this. Yes. मान लिए किसी ने चोरी से स्टोर रूम में जाके बदल दिया, अब 1 मिलियन से ज्यादा मशीनें हैं, मान लीजिए मदरबोर्ड बदल दिया, तो क्या होगा सर? अगर किसी ने डेलिबरेटली जानबूझ करके चोरी करके कहीं किसी ने मदरबोर्ड इसका बदल दिया और मदरबोर्ड की जगह, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने चोरी से मदरबोर्ड बदल दिया जैसी अफवाह आजकल उड़ी हुई है, तो अगर इसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का मदरबोर्ड लगा देंगे तो वो तो सर मदरबोर्ड का जो फंक्शन होगा वो तो मशीन वही काम करेगी, उसी के हिसाब से इसके बटन काम करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की वोटिंग मशीन नहीं रह जाएगी। मान लीजिए इसमें हम कोई वीडियो गेम का मदरबोर्ड लगा देते, ये भी एक तरह का वोटिंग जो है सर, कोई कहे तो खेल ही है सर, वो हमारी डेमोक्रेसी का सर, एक एम्बार्क वो समझाने के लिए सर, समझाने के लिए अगर इसी मशीन में मैं, हालांकि जो पॉसिबल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा पूछ रहे हैं और मैं इसमें उसके हिसाब से कोई वीडियो गेम का मदरबोर्ड लगा दूं तो ये मशीन वीडियो गेम का काम करेगा सर। तो आपका कहने का मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं रह जाएगी, अगर वीडियो गेम का मदरबोर्ड लग गया तो ये वीडियो गेम खेलेगी, इलेक्शन में काम नहीं आएगी और पकड़ी जाएगी जरूर। ये चमन किशोर साहब का एक बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। ये बताइए अब वोट देते हैं सर, तो क्या होता है, पहले क्या होता है इसमें सर? सबसे पहले जब वोटिंग जिस दिन हमारा होता है, और वोटिंग में सबसे पहले ये दो मशीनें, क्योंकि मैंने बताया कंट्रोल यूनिट और इसके साथ में वीवीपैट का ये वीएसडीयू है, जिसमें हमारा अगर वीवीपैट में बीच में कोई खराबी आती है तो इसमें ये शो करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और सीयू में कोई एरर आया तो इसमें बताएगा इसमें कोई एरर नहीं है। ये दोनों कंपोनेंट हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ में रहेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे ही कोई हमारा वोटर आएगा, वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसको इंक लगाया जाएगा, उसके बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको बोलेगा भाई आप वोट डालिए। लेट अस अज्यूम सर दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज गॉन टू वोट, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू प्रेस फर्स्ट? राइट सर, तो जैसे ही सर, जैसे एज ए वोटर हमारे पास में आए तो सबसे पहले मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूं, मान लीजिए सर हमारे साथ में एक वोटर है, तो मैंने सर को बैलेट दे दिया। जैसे ही ये बैलेट दिया, मॉक पोल करिए सर, सर ने 7 नंबर को डाला जी को प्रत्याशी, यहां पे 7 नंबर आ गया। देखेंगे वीवीपैट में 7 नंबर का ही स्लिप निकला है, इससे वोटर को कंफर्म हो गया कि जिसको मैंने वोट कास्ट किया है उसी का स्लिप हमारा वीवीपैट में निकला है, और वोटर इससे मोर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यस जिसको मैंने वोट डाला उसी का पर्ची हमारा इससे निकला है। और सर ये वाला स्लिप जो है इस कंपार्टमेंट में जाके बैठ गया सर, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये 7 नंबर का स्लिप आ गया। आपने 7 दबाया था, 7 आया, पक्का 7 दबाया था ना सर? बिल्कुल 7 निकला, बिल्कुल। अब ये वाली पर्ची जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर मुझको बताते हैं कि 5 साल तक प्रिजर्व हो सकती है सर, इसका इंक नहीं फेड होगा और ये बराबर चलता रहेगा, ये अंदर सील्ड रहती है, और आने वाले टाइम में इलेक्शन कमीशन एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा है कि इसकी भी काउंटिंग हो और कितनी परसेंटेज हो सर। आपने बताया कि इसका मदरबोर्ड नहीं बदल सकते, ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर साहब तो नहीं कर सकते, मैं एक बदमाश हूं सर और मेरा मर्जी है कि मैं आके बैलेटिंग यूनिट पे सीक्रेट कोड डाल के करके इसको बदल दूं, तो क्या होगा? आप कैसे, आप मेरे से वोट डलवाइए। अब मैं आपसे वोट डलवाता हूं सर, ये भी हम कंफर्म कर लेते हैं आज। सबसे पहले मैंने आपको बैलेट दे दिया सर, यस यू हैव गिवन मी बैलेट। आप कुछ डेलिबरेटली कुछ गलत करना चाह रहे हैं मशीन में, आप करके देखिए सर। अब I am going to cheat in this. I will put a secret code after I am putting my ballot. Right, sir. I vote for India first. I. Candidate 9. Candidate 9. Now, something should emerge here which will show candidate 9. Now, quietly I am pressing 1, 2, 3, 4, which is supposed to be one form of
tampering. Now, Chaman Kishore Sahab, sir, I have pressed this. Sir. Has any light come on this? बिल्कुल नहीं सर. अच्छा, इसमें जब भी हमारा कोई एक वोट यहाँ से हम अलाउ करते हैं और वो वोटर यहाँ पे एक बटन को वोट डालता है, उस समय में सिर्फ वही बटन एक्टिव होगा, बाकी सारे इनेबल डिसेबल हो जाएंगे. सो दिस देयर इज नो मैसेज गोइंग 1, 2, 3 कोई मैसेज नहीं, नो मैसेज इज गॉन. बिल्कुल, जो बटन आपको प्रेस करना है सिर्फ वही मैसेज हमारा कंट्रोल यूनिट में जाएगा. पहले उसका पर्ची आपको वीवीपैट में नजर आएगा सर. वीवीपैट पर जब आप कंफर्म हो जाएंगे, फिर जैसे ही वीवीपैट से वो पर्ची कटेगा, वो डेटा हमारा ट्रांसफर सीयू में हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स ओनली द की प्रेस ऑफ योर फर्स्ट प्रेस ओके विल बी रिकॉर्डेड वाया वीवीपैट एंड इनटू द कंट्रोल यूनिट. ऑल अदर की प्रेसेस व्हिच यू हैव प्रेस्ड विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज़ ड्यूरिंग दैट पीरियड द मशीन्स आर इनएक्टिवेटेड. सो दिस इज अ technical sophistication of yes, the machine yes. and a technical way of protecting that the sequenced key press is totally averted by this sophistication and that the atmosphere and the vitiation of the election process does not happen. Correct. So this is one level where one has taken care of that there is no way you can put in a secret code. Right. Mr. Zaidi, there was this issue which happened in Bhind, where there was a machine like this. I believe it was a demonstration and not a real poll. Can you explain what happened and what went wrong or what was right about it? In Bhind by-election, in Ater by-elections in Bhind district, the machines of VVPAT were brought from UP. Okay. Not the EVM. एक जनरल इम्प्रेशन ये बनाया हुआ है कि साहब EVM में टेम्परिंग हो गई. तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम अटेर के बाई इलेक्शंस में भिंड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट यूपी से नहीं लाए थे. केवल हम वहाँ से वीवीपैट मशीन लाए थे, चूँकि अटेर में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट पहले से ही उपलब्ध थी. वीवीपैट जो कानपुर से आई थी उसको हमने इसी के साथ साथ अटेर के साथ साथ दूसरी बाई इलेक्शंस में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था. वीवीपैट जो कानपुर से आई उसमें कानपुर के विधानसभा क्षेत्र की मेमोरी भरी हुई थी, 4 कैंडिडेट्स का उसके अंदर मेमोरी भरी हुई थी. मतलब उनका इलेक्शन सिंबल भरा हुआ था, जब आप दबाएं तो वही निकलता था. बाद में उसको चेंज करने की जरूरत थी. एग्जैक्टली. तो जब ये वीवीपैट आई वहां पर तो इसका इस्तेमाल जो फैलाई गई है बात वो एक्चुअल बाई इलेक्शन में नहीं हुआ. वो 31 मार्च को एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो प्रेस के लोगों को किया जा रहा था उसमें उस वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ. नियम हमारा यह है कि किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में जो पुरानी मेमोरी अगर कोई दर्ज है इनमें से किसी भी कंपोनेंट में उसको सबको इरेज किया जाए. हमारे अधिकारियों ने वहां पर इसकी जो कानपुर की मेमोरी थी उसको इरेज नहीं किया. तो जब उसकी मेमोरी इरेज नहीं हुई तो वहां पे जो अधिकारी बटन दबा रहे थे तो उन बटनों के दबाने से वही पर्चियां निकल रही थी जो कानपुर की मेमोरी की थी. तो इसमें सारा जो प्रॉब्लम था वो SOP का नॉन एडहेरेंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ. बिल्कुल. जो आपका एक लिखा हुआ तरीका है जो इतने सालों से फॉलो होना है वो नहीं हुआ. कहीं ना कहीं जो चूक थी वहां के अफसरों की थी. उन अफसरों को हमने हटाया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही थी, टैम्पर नहीं हुई थी, आप बिल्कुल सकते हैं. बिल्कुल. मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक बात ये फैलाई गई थी कि जो भी बटन वहां के अधिकारी डेमोन्स्ट्रेशन में दबा रहे थे वो केवल एक ही सिंबल निकल रहा था और एक ही पार्टी का निकल रहा था. ये पूरी तरह गलत है. हमने अपनी जांच में इस कंट्रोल यूनिट की अंदर की जो मेमोरी है उससे पूरा डाटा निकाला है और पूरा डाटा निकालने के बाद हमने ये पाया कि 4 बटन वहां पर दबाए गए और चारों बटन में हर बार अलग अलग सिंबल निकला. एक बार एक पार्टी का, दूसरी बार दूसरी पार्टी का, उसके बाद फिर तीसरी पार्टी का निकला. ये बिल्कुल गलत है कि हमारी EVM का टेम्परिंग हुई, क्योंकि EVM तो आई ही नहीं थी. केवल प्रॉब्लम वीवीपैट की मेमोरी की थी, जिसको इरेज करते तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होनी थी. जो बात वहां के बारे में फैलाई जा रही है पूर्णतया आधारहीन और बिल्कुल गलत है. I am from the press. The officer there said a statement which is not palatable and not was seemed like loose talk, and that gave an impression to people that something was wrong.
We in the commission feel, it was totally avoidable. So there was no issue in the machine. Yes. The issue was on what was happening in the standard operating procedure failing. Yes. And the kind of the loose talk which happened around that time. Yes. And what came out, that was... And that is created. Why commission has reiterated to all its officers that election is a very serious business. And therefore, nobody can take it very lightly, nobody can pass any light remarks which can be misinterpreted with such a sacrosanct process. While we are still standing with the electronic voting machines, before we go down and sit for a formal interview, recently some things have happened. The government has sanctioned some money, the new machines are coming, some new procedures you have adapted. Can you tell us a little bit about the change which is happening? The most important thing that is going to change in the elections which are going to happen in future is the introduction of VVPAT, Voter Verifiable Paper Audit Trail. Aam aadmi ki bhasha mein VVPAT ya parchi nikalna. Iske piche ek itihas hai. आम जनता के लिए जानना जरूरी है कि इसका मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें आदेश किया कि हमारे इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, हमारे इलेक्शंस में एक्यूरेसी लाने के लिए, हमारे इलेक्शंस में ट्रस्ट को वोटर्स के और बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है. हम इस मसले को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आने वाले सभी इलेक्शंस में फेजेज में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए. हमने इसको बहुत परस्यू किया. गवर्नमेंट ने पैसा हमको मंजूर किया है 3,173 करोड़ रुपया टू बी एग्जैक्ट, और वो पैसा हमने मैन्युफैक्चरर्स को दिया है. मैन्युफैक्चरर्स ने इसका निर्माण करना की प्रक्रिया प्रारंभ करी है. अगस्त 2017 में हमारा निर्माण वीवीपैट का शुरू हो जाएगा और अगले वर्ष अगस्त 2018 तक सारा वीवीपैट का प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा. दिस इज नंबर वन. Number two commitment given by the Election Commission is that in all future elections, at all polling stations, electronic voting machines will have VVPAT as their companion. और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा वोटर जो अभी तक एक शक में रहता था कि मैंने यहाँ बटन दबाया बैलेट यूनिट में, वो बटन कहाँ गया, इवोपरेट हो गया या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से कहाँ गया, उसे कुछ नहीं मालूम. अब वो इस बटन को दबाने के बाद वो खिड़की से झांक कर देख सकता है कि जिस कैंडिडेट को दबाया है, जो उसका सिंबल है वो यहाँ पर आ रहा है. उसको देखने के बाद, जैसे अभी आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने कैंडिडेट 14 को दबाया, कैंडिडेट 14 और एन, ये यहाँ पर आ गया है और ये पर्ची अभी यहाँ पर कटेगी और पर्याप्त समय है और इसके बॉक्स में आ जाएगी. ये बॉक्स में आने के बाद हमने दूसरा एक कमिटमेंट किया है कि हम आने वाले समय में काउंटिंग के समय पर विचार चल रहा है कि ये जो पर्चियां यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, इनको हम एक निश्चित प्रतिशत में काउंट करेंगे और जो काउंटिंग यहाँ से होगी उसका मिलान हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग से करेंगे. अगर वो मिलान ठीक है तो फिर फुल फ्लैश्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग के राउंड्स होंगे. इसका आदेश बहुत जल्दी हम लोग जारी करने वाले हैं. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा है कि थोड़ा सा समय खिड़की पर जो पर्ची का दृश्य आता है थोड़ा सा उसे बढ़ाया जाए, और दूसरा उन्होंने पर्चियों के काउंट करने के बारे में विभिन्न प्रतिशत बताए हैं, हम विचार कर रहे हैं. दुनिया ने हमारे इलेक्शन प्रोसेस को गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों बोला है? देखिए, हमारी पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस एक अपने आप में स्केल, मैग्नीट्यूड और साइज के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे बड़ी है और वाइब्रेंट बहुत है. दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हम फ्री और फेयर इलेक्शंस कराते हैं, और फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के जितने भी मापदंड हैं वो हम पिछले 66 सालों से हम लगातार उसको करते चले आ रहे हैं. हर बार रेगुलर पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, हर बार इलेक्शंस हमारे वोटर्स, हमारे सिटीजन्स एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ तक कि अगर कोई कैंडिडेट एक वोट से भी हारता है तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं. और हमारा ये 66 वर्ष का इतिहास रहा कि प्रत्येक चुनाव के नतीजों को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और इस पूरी प्रक्रिया में
क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शंस पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का बेडरॉक है और उसको हम सारी दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री और फेयर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए दूसरी डेमोक्रेसीज की तुलना में हमारी पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस वास्तव में गोल्ड स्टैंडर्ड है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ये प्लेटिनम स्टैंडर्ड भी बने। ऐसा कहा जाता है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसकी एक खास बात और है जो आपने दिखाई थी अभी कि सारी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक होती है। ऐसा पूरा जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है दुनिया की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ भी अभी नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या फ़ायदे मिले? देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होना 100% इस्तेमाल होना आज से 10-15 साल पहले से प्रारंभ हुआ। 2004 में तो पूरे जनरल इलेक्शंस में इसको कवर किया गया। एक तो ये हमारा कीर्तिमान है कि पूरे भारत में लेंथ एंड ब्रेथ में हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कवरेज हुआ। दूसरा, हमारा जो बड़ा लैंडमार्क होने जा रहा है पूरे विश्व में वो VVPAT का, माने जो पेपर ऑडिट ट्रेल है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ए लिटिल टंग ट्विस्टर, सो शॉर्ट में VVPAT। ये भी हम लोग 100% हर पोलिंग स्टेशंस पर आने वाले हर पोलिंग प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक आपने सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में पेपर बैलेट्स का इस्तेमाल होने की बात करी है, हमारी जानकारी के हिसाब से अमेरिका में पूरी इलेक्टोरल सिस्टम की जो प्रक्रिया है वो बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड है। वहाँ हर राज्य की और हर काउंटी तक की, यानी कि लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट जैसे बोलते हैं हम अपना, करीब 11,000 जुरिसडिक्शन है, उनकी अपनी प्रक्रिया है। उनको निर्णय करना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करेंगे या पेपर यूज़ करेंगे। हमारी जानकारी के हिसाब से काफ़ी राज्यों में वहाँ पर अभी ऑप्शंस हैं, या तो पेपर बैलेट का इस्तेमाल करिए या आप मशीन का इस्तेमाल करिए या दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करिए। वोटर को भी ये फ्रीडम है कि वो पेपर बैलेट इस्तेमाल कर ले या वहीं पर रखी हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर ले। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर भी ये एक तरह से एक मूवमेंट चालू हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया उनमें भी पेपर ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। हमारी जानकारी के हिसाब से करीब 27 राज्यों में पेपर ऑडिट ट्रेल की प्रक्रिया लगाने की चल रही है। तो ये प्रक्रिया तो हमारे अमेरिका में इस्तेमाल होती है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की एडवांटेज की बात है, जो हमारा पुराना पेपर बैलेट सिस्टम है उसकी तुलना में इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो पर्यावरण से ही संबंधित है, पेड़ और कागज़ का इस्तेमाल होना। दूसरा, जो हम बैलेट पेपर जब इस्तेमाल करते थे उस समय बैलेट पेपर से संबंधित जो भी मेल प्रैक्टिसेस थी, चाहे बूथ कैप्चरिंग हो या स्टफिंग ऑफ बैलेट बॉक्सेस हो, इस प्रकार की जो चीज़ें होती थी उनको, उनके ऊपर मुझे खुद याद है, मैंने रिपोर्ट किया है इलेक्शन रिजल्ट जो थे हफ्ता हफ्ता भर बाद आते थे और बैलेट पेपर भरे जाते थे उसमें मोहर लगा लगा के, और इतनी वायलेंस होती थी कि लोग काफ़ी तादाद में इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान उनकी मौत हो जाती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में तो इलेक्शन कमीशन के अलावा फर्जी बैलेट पेपर छापने की एक प्रक्रिया अलग होती थी और उन बैलेट पेपर को मोहर लगा करके बैलेट बॉक्सेज में भरने की प्रक्रिया अलग होती थी। बैलेट पेपर इस्तेमाल होने से जो वोटर की एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो भी कई बार साफ नहीं होता था, यानी कि उन्होंने दो खानों के बीच में अपना मोहर लगा दी तो बैलेट पेपर ख़राब हो गया। इसके अलावा फिर बैलेट पेपर की काउंटिंग में एक अलग माल प्रैक्टिसेस होती थी और कई कई दिन चलती थी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से एक तो बात ये हुई है कि हर वोट वैलिड वोट है, क्योंकि कोई भी बटन आप दबाएंगे वो इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड वोट है। इसलिए जो उसमें डिस्प्यूट्स होते थे काउंटिंग के दौरान उनकी संख्या भी अब नगण्य हो गई है और मशीन का इस्तेमाल होने से तो काउंटिंग की प्रक्रिया तो बहुत जल्दी होती है। हालांकि हम लोग बहुत कॉशियसली स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मगर फिर भी बैलेट पेपर की तुलना में बहुत जल्दी होती है, तो बहुत एडवांटेजेस हैं। जैसे आपने बताया कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका में अभी भी कहीं कहीं पेपर बैलेट यूज़ होता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात होनी चाहिए कि इतना बड़ा देश इंडिया भारत उसमें 100% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है।
तो फिर भी इस पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं? नहीं, ये प्रक्रिया एक्चुअली में जैसा आपने बिल्कुल कहा कि इतनी बड़ी इवेंट में 100% मशीनों का इस्तेमाल करना और उसके बारे में हमारी इंटेग्रिटी पूरी स्थापित है, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ये इस बात को तूल देना एक अनावश्यक है, आधारहीन है। मगर फिर भी चूँकि अगर किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के जहन में कोई शक आता है तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिस इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दैट डाउट एंड दिस इज़ वॉट वी आर प्लानिंग एंड वी आर डूइंग इट टू रिमूव दैट डाउट, या जिसको कहते हैं जो लोगों के एक भ्रांति फैलाई गई या शंका है उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसको हमने विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, और एक तो पहला सवाल यह है कि जब से मशीनों का इंट्रोडक्शन हुआ है इन मशीनों के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता रहा है। शंकाएं और शुभा तो लोग करते रहे हैं मगर इनको एक्सेप्ट किया जाता रहा है। दूसरी बात यह है कि हमने इन मशीनों की जो प्रशासनिक सेफगार्ड्स हैं, टेक्निकल सेफगार्ड्स हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। और तीसरा यह है कि कुछ वर्ष पहले भी इन पर शक और शुभा हुआ था, तो 2009 में भी चुनाव आयोग ने इन शक शुभाओं को दूर करने की कोशिश करी थी। हाल के चुनाव के बाद जो दोबारा से शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं, उसको दूर करने के लिए अब हमने फिर से पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पूरा कंसल्टेशन किया। उसके बाद अब हम डेमोंस्ट्रेशन चैलेंज कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आकर के जो उनका आरोप है कि मशीनें टेम्पर हुई थी। तो आपने एक चैलेंज अनाउंस किया है जो 3 जून को शुरू होगा, उसके पहले लोगों को बोलना है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, और देखने वाली बात है कि कोई चैलेंजर सामने आता है कि नहीं। तो ये 3 जून को जो चैलेंज होगा इसमें क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या चैलेंज आपने दिए हैं? देखिए, इसमें हमने ये किया है कि वो राजनीतिक पार्टियाँ जो राष्ट्रीय हैं और स्टेट लेवल की पार्टीज हैं और इस चुनाव में भाग लिया है 5 राज्यों के, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, वी हैव आस्क दीज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज टू नॉमिनेट 3 पर्संस टू पार्टिसिपेट इन दी डेमोंस्ट्रेशन चैलेंज, एंड वी हैव लेफ्ट इट टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो अपने साथ किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा फिर हमने उनसे उनके जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने 26 तारीख की शाम तक मांगा है, और उसके बाद हमने माने उनको रजामंदी देनी है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो भाग लेना चाहें ना भाग लेना चाहें, हम तो आमंत्रित करेंगे, कर दिया है हमने, सबको खत भेज भी दिया है। उसके बाद हम हर राजनीतिक पार्टी को जो इसमें भाग लेंगे उनको ये भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 4 मशीनें अपनी इच्छा से चुन लें, 4 पोलिंग स्टेशंस की, वो एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की हो सकती है, वो एक से ज़्यादा की हो सकती है, वो एक राज्य से ज़्यादा की हो सकती हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। माने अगर इसको सरल तौर पे बताएं, जो चैलेंजर है उसको आप मशीन चूज करने दे रहे हैं, ही विल हैव द राइट टू चूज द मशीन, इट इज़ नॉट दैट यू विल प्रोवाइड हिम द बेस्ट मशीन विच हैज़ नॉट बीन टैम्पर्ड एंड कैन नॉट बी टैम्पर्ड from the assembly constituencies which have polled and where a petition has not been filed, they can pick up any machine and they will be allowed to do whatever is required in the challenge where and how. Yes, so after they have expressed their choice of electronic voting machines and the polling stations, then we are asking them to be present at the time of opening those strong rooms. And then we are also asking them that when we are sealing our boxes, they should be present there. They should accompany those electronic voting machines. And when they are deposited here in the Election Commission of India headquarters, they should be present here. So we are giving them full opportunity. इसके बाद जब वो अपना इच्छा प्रकट कर देंगे और मशीनें भी बता देंगे, फिर हम उनको टाइम स्लॉट देंगे 3 जून से जो प्रारंभ होगा। उस टाइम स्लॉट में हमने 2 प्रकार के चैलेंज आयोजित किए हैं। आपकी जानकारी के लिए पहला चैलेंज तो ये है कि हमारी मशीनें पोल करने के बाद स्टोर रूम में, स्ट्रांग रूम में रखी हुई थी, जो वहाँ से उठ कर के
पार्टीज के साथ यहाँ हेडक्वार्टर पर आई हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का कहना है कि ये टेम्पर्ड हैं, हमने उनको ये कहा है कि वो स्टोर्ड मशीनों को दो माध्यमों से टेम्पर करने का प्रयास करें। एक तो ये है कि जैसे अभी आपने मशीन में हमें बताया था सीक्रेट कोड डालना, सीक्वेंस्ड की प्रेस डालना, एक तो वो किसी भी ट्रोजन हॉर्स जिसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स को एक्टिवेट करना, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक सीक्वेंस्ड की प्रेस या जिसको आम भाषा में सीक्रेट कोड डालना कहते हैं वो करें, तो एक तो उन्हें वो करने की इजाज़त होगी। दूसरा उसका पार्ट ये है कि जो हम लोग मशीनें दूसरे चैलेंज के अंतर्गत मंगाएंगे, दूसरा पार्ट उसका ये है कि हम उनको ये भी कह रहे हैं, जैसे एक आम अफवाह है कि हमारी स्टोर की गई मशीनों को लोग 40 मीटर दूर 30 मीटर दूर से कोई खड़ा होकर के और अपने मोबाइल फ़ोन से वायरलेस से ब्लूटूथ वाईफाई से उनका जो रिज़ल्ट स्टोर किया हुआ है उसको अल्टर कर सकता है। हम ये दोनों अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं कि आप आइए और हमारा जो रिज़ल्ट इसके अंदर भरा हुआ है उसको आप बदलिए। तो हम उनको कहेंगे कि देखिए मशीन लाने से पहले पेपर पर ये रिज़ल्ट था, आप इसको रिज़ल्ट प्रेस करके अपनी टेम्परिंग करने से पहले रिज़ल्ट देख लीजिए, फिर इन दोनों माध्यमों से आप टेम्परिंग करिए सीक्वेंस की प्रेस और मोबाइल वगैरह, और उसके बाद अब अगर मशीन हमारी काम करना बंद कर दे तो ये फेल्योर होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस उसमें किए तो उससे हमारी मशीन काम करना बंद कर देगी। दूसरा, अगर ये सब टेम्पर के प्रयास करने के बाद उस मशीन के रिज़ल्ट वही निकले जो पहले थे तो भी उनका प्रयास फेल माना जाएगा। ये तो है हमारा चैलेंज वन। और चैलेंज दो में हम ये कह रहे हैं, जैसा उनका भी आरोप है कि साहब ये मशीनें जब अभी आपने देखा फर्स्ट लेवल चेक पर बदल दी गई, कैंडिडेट सेटिंग के दौरान बदल दी गई, उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि हम मशीनें लाएंगे और उन मशीनों में आपको रिज़ल्ट दिखा करके रिज़ल्ट को क्लियर करने के बाद आपको एक्चुअल पोल करने की इजाज़त देंगे, आप उसके अंदर अपना पोल करिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग, और जो पोल आपने किया उसको बाद फिर से सीक्वेंस की प्रेस करके या मोबाइल या वाईफाई के माध्यम से उसका रिज़ल्ट बदलिए। इसके बाद हम उनसे कहेंगे कि अब आप इसका रिज़ल्ट निकालिए, अगर रिज़ल्ट सेम रहता है तो उनका जो ये टेम्पर का आरोप है ये फेल होता है, या ये जो सीक्वेंस की प्रेस करने के बाद हमारी मशीन ख़राब हो गई तो वो भी एक फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में मशीन फेल नहीं होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके रूल्स इलेक्शन कमीशन ने सेट किए, ये आपकी प्रमाइसिस में होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो इसके आगे जज कौन करेगा कि ये टैम्पर हुई या नहीं हुई? देखिए एक प्रश्न जो उठाया जाता है कि रूल हमने बनाए हैं, देखिए हमने रूल जो बनाए हैं वो इसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि एक्चुअल फील्ड कंडीशन में हमारी मशीनों का इस्तेमाल जिन हालत में होता है हम वही परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न करना चाहते हैं, और उसी वी आर रेप्लिकेटिंग द रियल लाइफ सिचुएशन एंड देयरफॉर वी हैव फ्रेम्ड द रूल्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज अंडर आवर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स देयर कैनॉट बी एनी अदर सिचुएशन, दैट इज़ वाई वी आर लेइंग डाउन अवर रूल्स एंड रिक्रिएटिंग द रियल लाइफ सिचुएशन। नाउ वी हैव वेरी क्लियरली मैंशन दैट दिस इज ए लर्निंग प्रोसेस both for the election commission of india as well as for our stakeholders political parties, there is no loser, there is no winner, there is no claim or counter claim, we are sitting here to learn to improve our processes, and therefore we have said that it is not adversarial, this is not a prestige issue, depending upon the outcome of the challenge we will take a stand as and when it comes, but in any case we are not treating it as a losing or winning game. But who will judge it? Well, you see, the most important question is when we have asked political parties to come and participate, sara unka aarop hamari machinon ke bare mein hai, to hum ye mante hain ki hamari machinon ke jo results niklenge wo apne aap mein ek judge honge. In other words, electronic voting machines during the challenge process will be its own judge.
And I think that is what summarizes the whole process. If it gives wrong results, then it is a miscarriage of justice. If it gives right result, then it is successful. So in this whole process, you have permitted three people from political parties to come. So is it mandatory that all three have to be Indian, or can they be foreigners also? Because there are some foreign experts who have some opinions on our electronic voting machines. See, with full regard to our foreign experts, see, the entire electoral process of the country is our own process. It is a sovereign function of the state. Of India, it is our This is our process, and who are the sovereign people of this country? This is number one. Number two, India has leading IT experts, and I'm sure political parties will bring the best brain in the country, and I think they would be judging it very well. At this juncture, we don't need any external advice. We only need to be guided by our own Indians, because we are confident of our Indians. They have the best brains, they have the best technological backgrounds, particularly in the field of electronic voting machines. Electronic voting machines are not used in all democracies. Why are they not used? See, number one, electronic voting machines are being used by about a dozen countries. I won't take the names here, but they are being used in about a dozen countries. It is also true that electronic voting machines are not being used in many countries. It is also true that electronic voting machines have been discontinued in some countries. I'll ask you each one at a time now. So why are they not so popular? Are people don't have the expertise? I will explain. Let me begin with the Netherlands, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है. उसके बाद फिर आयरलैंड में वही मशीनें गईं, उसके बाद वही मशीनें जर्मनी में गईं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नेदरलैंड का मामला है, नेदरलैंड में वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन आवर कंट्री द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर मैनुफैक्चर्ड बाई टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच आर वर्किंग अंडर Department of Atomic Energy and Ministry of Defense and follow a very secured protocol. एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है. दूसरा, नेदरलैंड में वहाँ पर जब मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था और वहाँ पर कुछ लोगों ने एम्स्टर्डम की काउंसिल से वो मशीनें ले करके उनके ऊपर उनमें चेंजेस करके, जैसा आपने अभी पूछा कि मदरबोर्ड बदल दें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने उसका मदरबोर्ड अनऑथराइजली बदल दिया और उसके ऊपर चेस का गेम उन्होंने खेला. तो ये उनके यहाँ दूसरी बात हुई, जबकि हमारे यहाँ जो मशीनें हैं वो बिल्कुल इन सारी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड से बहुत सुरक्षित हैं. वहाँ पर जब इस प्रकार के डेमोंस्ट्रेशन किए गए कि मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है, वहाँ पर दो आयोगों का गठन किया गया द नेदरलैंड में, और उन्होंने वहाँ की इन मशीनों के बारे में कई कमियाँ पाईं, जैसा कि लिटरेचर में अवेलेबल है. उन्होंने पाया कि प्राइवेट सेक्टर निर्माण कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर का पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था. उनके यहाँ पर जो उनके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन क्वालिटी के मेथड्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे. उन्होंने ये भी पाया कि उनके कानून में एंड टू एंड टेक्निकल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की कमी थी. उन्होंने ये भी पाया कि उनकी मशीनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिकॉर्ड किया गया. तो इन सब के आधार पर उन्होंने कहा कि ये मशीनें सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया. सो दे रोल्ड बैक, दे रोल्ड बैक, इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड रोल्ड बैक. दिस इज व्हाट हैपेंड इन द नीदरलैंड. इन द नीदरलैंड बिकॉज दे वर लैकिंग इन सर्टेन रिगार्ड्स विच वी हैव स्ट्रेंथन्ड इन आवर केस. दिस इज नंबर वन. एंड दे वर नॉट यूजिंग आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. Number two, the same machines which were being used in the Netherlands were also exported to Ireland. In Ireland also, when the issues, doubts, etc. arose, they also appointed commissions. And those commissions also found certain shortcomings in the entire process of technical security, administrative security, etc. And when the Netherlands case happened, they also withdrew. Now the third country
which is a very advanced country. What happened in Germany? People are very worried about that. Another linkage is that the same machines which were being used in the Netherlands were also being used in Germany. The matter reached up to the Supreme Court of Germany. वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के प्रकाश में एग्जामिन किया और उन्होंने ये पाया कि जो कानून वहाँ की मशीनों के लिए बना है जर्मनी में वो कानून वहाँ के संविधान की धाराओं के विपरीत है. वो क्यों विपरीत है? क्योंकि उनके संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक वोटर को उस अपना एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस को देखने की पूरी छूट होनी चाहिए, जिसको उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है पब्लिक एग्जामिनेबिलिटी, जिसको आम भाषा में वीवीपैट बोलते हैं. तो उन्होंने पब्लिक एग्जामिनेबिलिटी की कमी के कारण वहाँ का कानून जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस की गई बीइंग कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक नेचर ऑफ इलेक्शंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन दे स्ट्रक डाउन द लॉ बट दे डिड लीव ए स्कोप दैट इफ यू कैन ब्रिंग द वेरीफाइबिलिटी एग्जामिनेबिलिटी देन इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड. So it was a failure of the legal and a legal loophole was found in Germany. Is that correct? Yes. On the contrary, in our country, as you would recall a few moments ago, I had mentioned to you that our Honorable Supreme Court said that if we use VVPAT along with electronic voting machines, then the trust and confidence, accuracy and transparency will increase. And now, again, I would mention हमारा देश विश्व का पहला ऐसा देश होगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ 100% पब्लिक एग्जामिनेबिलिटी, 100% पेपर ऑडिट ट्रेल और 100% एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी की प्रक्रिया को हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं. ये तो बहुत फक्र की बात है, बहुत बड़ी बात है. और ये बताइए, जो हमारा सिस्टम है इसमें आपके पास कोई लीगल प्रावधान है? कोई पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर पाए? 80 के दशक में ये विवाद उठा था. जिस समय तकनीकी का विकास हो रहा था उस समय हमारे चुनाव आयोग ने इसको प्रारंभ करना चाहा, तो इसी आधार पर चैलेंज किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है. और इसी को आधार लेकर के 80 के दशक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे EVM के इंट्रोडक्शन को निरस्त कर दिया. बाद में इसके ऊपर एक कानून बना जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें कानून आया और उस कानून के आने के बाद 1989 के बाद से तो ये एक कानूनी जामा इसको मिल गया और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है. तो अभी तक हम बात कर रहे थे फॉरेन मशीन्स की. ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बाहर देश में बनती हैं, हम नहीं बनाते, तो ऐसे इसमें कोई दम है बात में? देखिए, ये तो बिल्कुल बेदम बात है कि हमारी मशीनें विदेशों में बनकर आ रही हैं. ये एक भ्रांति फैलाई गई है, अफवाह है ये कि हमारी जो मशीनें इलेक्शंस में इस्तेमाल हो रही हैं ये विदेशों में बनी हुई हैं. ये बिल्कुल गलत बात है और मैं आपके माध्यम से पूरे जोर के साथ इस बात का खंडन करता हूँ कि हमारी कोई मशीन बाहर नहीं बनती है. हमारी मशीनें हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा बनाई जाती हैं. जैसे सब लोगों को मानना है कि चिप भारत में नहीं बनते, हम चिप जो है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगती है, जिसको आपने डेमोंस्ट्रेशन के दौरान देखा था, बोला गया था दिल है, वो हम बाहर से मंगाते हैं, तो जो दिल है उसमें कुछ खेल तो हो सकता है? नहीं, देखिए ये चीज़ हम आपको पहले तो ये बताएं कि हम चिप क्यों मंगाते हैं. बात ये फैलाई जाती है कि चिपों को बाहर से मंगाया जाता है, जापान अमेरिका से. इसका एक जो साइंटिफिक रीजंस हम लोगों को बताया गया है, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर आधारित चिप का बनना अभी शुरू नहीं हुआ है. वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव द फैक्ट्रीज विच मेक चिप्स. इनफैक्ट द वर्ल्ड ओवर चिप्स आर मेड ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस. एग्जैक्टली. सो वी इट इज़ अ फैक्ट दैट चिप्स आर इम्पोर्टेड. नंबर टू, नाउ आवर मैन्युफैक्चरर्स हैव डेवलप्ड द कैपेबिलिटीज that only raw chips are brought from outside and the actual fusion of the program or the software is carried out in situ in our factories. Therefore, what I would like to say is that chip are imported but the program writing is carried out by our manufacturers under very secured conditions, number one. Number two, but can't somebody
write the program in a way that one political party will win? Well, now this is another important point, जिसको लोग कहते हैं कि साहब manufacturer के level पर ही chip बदल दिया गया. इसके बारे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि results को bias करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि candidates का sequence और candidates का बटन नंबर क्या हो, माने वो बैलेट पेपर पे सीक्वेंस क्या होगा, जैसा अभी हमने आपको दिखाया था ABCD जैसे दिखाया था, ये जानना हमारे मैन्युफैक्चरर को बहुत जरूरी है. माने जो इंजीनियर हमको दिखा रहे थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, कई साल पहले उनको पता होना चाहिए कि भिंड में कौन सा कैंडिडेट सातवें नंबर पे आएगा. एग्जैक्टली हमारी मशीन, ये पॉसिबल है, उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है. हमारी मशीनों का निर्माण 2006 जो M2 और उसके बाद की जनरेशन है प्रारंभ हुआ है. अब एक मशीन जो 2006 में बनी है और जिसका चिप में प्रोग्राम लिखा गया है, मैन्युफैक्चरर को ये नहीं मालूम है कि ये मशीन बनने के बाद कौन से राज्य में, कौन से राज्य के कौन से ज़िले और विधानसभा में जा रही है. तो चूँकि उसको कैंडिडेट का सीक्वेंस ही नहीं मालूम है, तो वो क्या प्रोग्राम उसके अंदर बदलेगा, ये संभावना बिल्कुल गलत है. दूसरा, ये काम भ्रांति ये फैलाई जाती है कि साहब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही जो है वो ट्रोजन हॉर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. उसके लिए भी मालूम होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस की प्रेस है. उसमें तो अब बहुत हमारे यहाँ तकनीकी एडवांसमेंट आ गया है, तमाम एनक्रिप्टेड कोडिंग प्रोसेस है और हर प्रेस करने को जो है वो टाइम लॉक किया जाता है, रियल टाइम क्लॉक है. बहुत सारी चीज़ों का सुधार हो गया है. नई मशीनें तो टेम्पर डिटेक्ट हैं, आप उसमें कोई चिप बदलोगे, प्रोग्राम बदलोगे, डिटेक्ट हो जाएगा. मशीनें सेल्फ डायग्नोस्टिक हैं, आप जैसे स्विच ऑन करोगे पूरी मशीन जो है उसका सिग्नेचर टेस्ट हो जाएगा कि ये वही मशीन है या इसका कोई कल पुर्जा बदला हुआ है. काफ़ी सुधार हो गए हैं मैन्युफैक्चरर के स्तर पर, किसी भी प्रकार की संभावना को हम टोटली नकारते हैं. चिप के ऊपर सॉफ्टवेयर लिखा गया, उसके बाद मदरबोर्ड बना, फिर मशीन बनी. अब ये मशीन जो है, क्या ये एक दूसरे से बात करती हैं या इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या ये इंडिविजुअल मशीन होती हैं, कैसी हैं हमारी मशीनें? देखिए, हमारी मशीन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है और क्यों ये टेम्परेबल नहीं है, वो नेचर है स्टैंड अलोन. आपने अभी देखा ये स्टैंड अलोन इसलिए है कि हर मशीन जो है किसी भी प्लग से, किसी भी केबल के द्वारा, किसी इंटरनेट से या किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं है, तो ये स्टैंड अलोन है. और स्टैंड अलोन होने के कारण इनमें हैकिंग का प्रश्न नहीं है. हैकिंग तो जनरली अप्लाई करता है इंटरनेट कनेक्शन होने पर. ना नेटवर्क मशीन्स हो जिनमें इंटरनेट आता हो, वाईफाई से या फिर वायर से कनेक्टेड इंटरनेट हो, हैकिंग का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है. और टेम्परिंग के बारे में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से हमारे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड के वजह से टेम्परिंग इज रूल्ड आउट. तो ये जो चैलेंज है, इसमें आपने टेम्परिंग का क्या डेफिनेशन दिया है? इस चैलेंज में किसको आप टेम्परिंग मानोगे? देखिए, टेम्परिंग का पहला तो ये आधार है कि जो हमारा प्रोग्राम चिप के ऊपर लिखा हुआ है उसमें कोई अल्टरेशन करे. और हमारा तो ये कमिटमेंट है कि हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, ना इसे आप पढ़ सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना इस पर कोई दूसरा काम कर सकते हैं. तो एक तो हमारा टेम्परिंग की डेफिनेशन में ये है कि जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इस चिप के ऊपर वो बदला हुआ है. जैसे उनका आरोप है कि इन 5 इलेक्शंस में इनका जो है प्रोग्राम रिजल्ट बदलने के लिए किया गया है. दूसरा ये है कि टेम्परिंग की डेफिनेशन में आता है कि आपने कोई उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स डाल दिया है, जिसको मैलवेयर कहते हैं, दूसरा प्रोग्राम डाल दिया है रिजल्ट्स बदलने के लिए. और तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो रिज़ल्ट इसके अंदर स्टोर है हमारे मेमोरी में, उसको आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस से बदल दें. और चौथा इसके अंदर जो वो है, वो ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड है, मैलवेयर से रिलेटेड है, कि आप एक सीक्वेंस की प्रेस को दबाने से उसको एक्टिवेट करें और रिजल्ट्स की जो गिनती है वो बदल जाए. तो इन डेफिनेशंस के तहत हम लोग टेम्परिंग कोड रखे हुए हैं. तो ये चैलेंज जो होगा, इस पर मान लीजिए किसी ने अगर सक्सेसफुली टेम्पर कर दिया, तब क्या होगा?
नहीं, हमारा देखिए बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हमारी मशीनें टेम्पर्ड नहीं हैं, और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी मशीनें अपना परिणाम स्वयं देंगी और जो सही परिणाम होगा। जरी साहब, एक सवाल उठा था महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेके और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेके, तो क्या आप ये लोकल चुनाव भी देखते हैं, क्या आपकी निगरानी में होते हैं? देखिए, ये प्रश्न फरवरी के महीने से प्रारंभ हुआ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का, खासतौर से महाराष्ट्र का। पहली बात तो ये है कि भारत का चुनाव आयोग लोकल बॉडीज़ यानी कि अर्बन और रूरल बॉडीज़ के चुनाव का काम नहीं देखता है, उसके लिए राज्य स्तर पर संविधान के अंतर्गत अलग से संवैधानिक संस्थाएं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बने हुए हैं। तो एक तो ये बिल्कुल साफ बात है। दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर से महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों में गड़बड़ियों की शिकायत आई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, और ख़ास तौर से दो प्रकार की शिकायत थी। एक तो कहीं पर शिकायत की गई थी कि जो कैंडिडेट है उसको ज़ीरो वोट मिले जबकि उसने अपना वोट स्वयं डाला था। इसकी जांच कराई गई, जांच में ये तथ्य हमारे वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मशीनरी के द्वारा पूर्णतया गलत पाए गए। वहाँ के जिस कैंडिडेट की शिकायत थी, एक तो उसने प्रार्थना पत्र में ये शिकायत ही नहीं लिखी थी, दूसरा ये कि उसको जहाँ पर वो दर्ज है वहाँ पर उसका वोट मिला है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। एक ये आरोप लगा था कि वहाँ पे जो वोट डाले गए या जो वोट मशीन दिखा रही है उनमें बड़ा फ़र्क है, मशीन ज़्यादा वोट दिखा रही है बनिस्बत के जो वोट डाले गए, उसकी भी जांच कराई गई, उसमें भी वो फैक्ट बिल्कुल गलत पाए गए हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रांति उत्पन्न हुई कि ये मशीनें चुनाव आयोग की मशीनें हैं, इनमें गड़बड़ हुई है तो चुनाव आयोग की मशीनों में भी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन ये तथ्य पूरी तरह गलत हैं और हमारे पास राज्य चुनाव आयोग की भी रिपोर्ट है। माने कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग मशीन्स थी वो भी सही थी, और वहाँ का जो वोटिंग प्रोसीजर है, दैट वोटिंग प्रोसीजर कम्स अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो व्हाट आर द इलेक्शंस व्हिच कम अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन? नो, आवर ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड वन टू द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट असेंबलीज वेयर एवर देयर आर बाइकैमरल सिस्टम। ये चैलेंज करीब आ रहा है, आपकी नींद तो नहीं उड़ रही है कहीं? नहीं, हम चैलेंज की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और एक्चुअली में आयोग में हम लोग इसको बड़े युद्ध स्तर की तैयारी के तौर पर कर रहे हैं। युद्ध स्तर में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम हर चीज़ के ऊपर अपनी निगाह रखे हुए हैं, इस पूरी चैलेंज की तैयारी के बारे में, इस पूरे चैलेंज के परसेप्शन के बारे में, इस पूरे चैलेंज के मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आने वाली हैं उनके पूरे कंडक्ट करने के बारे में। बल्कि कुछ जगह से ऐसा फीडबैक भी है कि वो लोग इस अवसर का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया से अवेयर कराना चाहते हैं, फेमिलराइज कराना चाहते हैं, तो उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे आयोग में इसको लेकर के एक युद्ध स्तर की तैयारी हो रही है। रोज़ाना हम लोग शाम को मिलते हैं, रिव्यू करते हैं दिन भर में क्या हो रहा है। तो इट्स ए मेजर वर्क, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माय स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज आई एम सो श्योर अबाउट इट, बट वी हैव टू प्रिपेयर लाइक वी प्रिपेयर फॉर एनी फंक्शन। ड्यूरिंग द चैलेंज विल पीपल बी एबल टू इंस्पेक्ट द मशीन एंड विल दे बी एबल टू change the hardware of the electronic voting machines which they hand carry or bring into the election commission? See, under our proposed challenge framework, we have permitted the visual inspection of the electronic voting machines. और उसके पीछे एक reason है, जो हमारा challenge statement one है उसमें हमारी electronic voting machines उसी अवस्था में आ रही हैं जिसमें वो हमारे strong room में बंद हैं, और उसमें उसी अवस्था में उनको टेम्परिंग करना है, तो उसमें तो प्रश्न नहीं है कि वो उसको खोलें और देखें। माने उसमें सील लगी हुई है, उसको खोलना, इंस्पेक्ट करना मदरबोर्ड को पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड में। बिल्कुल हाँ। दूसरा ये है कि जो हमारा चैलेंज स्टेटमेंट दूसरा है उसमें नया पोल वो मशीन के ऊपर कंडक्ट करेंगे, और चूँकि मशीन की फर्स्ट लेवल चेक की जाती है उसमें हमारी मशीन को खोल करके भी हमारे लोग देखते हैं, इसलिए उनको मशीन खोल करके विजुअल इंस्पेक्शन करना का उसमें हमने फ्रेमवर्क में रखा है। लेकिन ये शर्त रखी है कि वो हमारी मशीन के हार्डवेयर या उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी
तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था में तो ये कल्पना ही नहीं है। तो मतलब वो आके बटन दबा सकते हैं उसके वाईफाई से या ब्लूटूथ से टैम्पर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें कि मैं मशीन घर ले जाऊं और उसका मदरबोर्ड बदल के ले आऊं तो वो आप परमिट करोगे? नहीं, देखिए हमारा मानना बिल्कुल स्पष्ट है, एक तो हम परमिट नहीं करेंगे। अगर हम हमारी मशीन का मदरबोर्ड बदल दिया तो वो हमारी मशीन नहीं रह गई, वो तो एक बिल्कुल नई मशीन हो गई, और उस नई मशीन का जिसका मदरबोर्ड बदल दिया है उसका सही रिजल्ट देने का तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। हम तो अपनी मशीन के सही रिजल्ट की गारंटी लेते हैं। सो ये थे जैदी साहब हमको बताते हुए कि वो उनकी नींद नहीं उड़ रही है इस चैलेंज से, वो काफ़ी श्योर हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्शन कमीशन की हैं उनको टैम्पर करना नामुमकिन है। मिस्टर जैदी इज कन्विंस्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर टैम्पर प्रूफ एंड ही इज नॉट स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स विद द चैलेंजर्स होपिंग टू कम एंड चैलेंज टेक अप द चैलेंज टू टैम्पर द मशीन्स। It is a delight speaking to you. Thank you very much. Thank you. What a delight speaking to you. Thank you. Thank you.